अगर एक दो तीन बेटी हो जाए तो बीवी को कहते हैं अब बेटा ना हुआ तो तलाक देंगे। ला इलाहा इल्लल्लाह। साइंस को पढ़ें आप, बेटी और बेटे मां की वजह से नहीं बाप की वजह से। साइंस भी पढ़ें, वैसे औलाद बाप की तकदीर से होती है, ये इस्लाम है। और साइंस कहती है कि औरत और मर्द में जो जरासीम होते हैं बच्चे की विलादत के, तो औरत को दोनों जरासीम एक्स और एक्स होते हैं, मर्द को जो जरासीम होते हैं वो एक्स और वाई होते हैं। जब औरत के एक्स से मर्द के एक्स मिलते हैं तो बेटा पैदा होता है, और जब औरत के एक्स से मर्द के वाई मिलते हैं तो बेटी पैदा होती है। बीबियों को तलाक की धमकी देने वालों, बेटी की बुनियाद पर, बेटी तो बीवी की बुनियाद पर पैदा ही नहीं हुई, उसके तो दोनों जरासीम एक्स है, वाई तो तेरे अंदर है, वाई तो तेरे अंदर है। उसका कसूर क्या है? अगर तेरे अंदर तेरी तकदीर में बेटियां लिखी है, एक नहीं चार भी कर फिर भी बेटी ही पैदा होगी, इसलिए कि बेटी और बेटे औरत की किस्मत से नहीं मिलते बल्कि वो मर्द की किस्मत से मिलते हैं। उसकी वजह ये है कि नसब मर्द की तरफ मंसूब होता है, नसब मर्द की तरफ मंसूब होता है, इसलिए औलाद मर्द की तकदीर की लिखी होती है। और साइंस भी कह रही है वहां तो दोनों एक्स है, एक्स और वाई तो तेरे अंदर है। उस गरीब का कसूर क्या है? बेटी होने पर तू जिसको तलाक की धमकी देता है, और सुन बेटी के दुश्मन, बेटी के दुश्मन सुन, जिस दिन तुझे कोई पना नहीं देगा उस दिन तुझे तेरी बेटी पना देगी, क्योंकि फितरत ने, फितरत के तकाजे ये है कि बेटी सबसे ज्यादा अगर किसी से प्यार करती है पूरी दुनिया में तो वो अपने बाप से प्यार करती है। ये बेटी की खसूसियत है कि वो बाप से प्यार करती है। अब बाप को बेटी से कोई प्यार नहीं, बेटा बेटा, अरे कहां से आता है बेटा? जहां से बेटी आती है वहीं से। बल्कि एक सूफी बुजुर्ग कहते हैं जब किसी के यहां बेटा आता है तो मशीयत कहती है जा और अपने बाप की मदद कर। किसी के यहां बेटा आता है तो एक सूफी बुजुर्ग कहते हैं कि बेटे को कहा जाता है जा और अपने बाप की मदद कर, मगर वो बेटा आकर के कभी मदद करता है कभी धोखा भी देता है। लेकिन जब बेटी कुदरत भेजती है तो कहती है जा ताकि तेरे बाप की मदद मैं करूं, जा तेरे बाप की मदद मैं करूं। आपने बेटी को क्या समझ रखा? इमाम अली मकाम ने अपने नाना को बेटी से प्यार करते देखा, अपने बाबा को बेटी से प्यार करते देखा, खुद कैसे प्यार किया? 7 साला सकीना को जिंदगी की आखिरी शब तक बिस्तर पे नहीं अपने सूने पे सुलाते रहे। बेटियां सीने पे सुलाने की चीज है, तुम उसको पेट के अंदर चमचे से काटते हो? क्या जवाब दोगे अल्लाह की? तुम्हारी इबादतें तुम्हारे मुंह पे फेंक मारी जाएंगी। और मर्द ही नहीं बल्कि आज तो औरतों को भी नफरत हो गई है, माओं को भी, जब पता चला कि बेटी है तो उसको कत्ल किया जाता है। मेरी बहन, वो सीरियल देखने वाली मेरी बहन, जालिम बहन, अगर जो तू अपनी बेटी के साथ कर रही है तेरी मां ने भी तेरे साथ यही किया होता तो क्या तुझे वजूद नसीब होता? क्या तुझे वजूद नसीब होता? नहीं। बेटी कभी राबिया बसरी